नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये महाशिवरात्रि की कथा। पूरी रात आपको जगाए रखने के लिए अर्धनारी रूप में शिव और भृंगु महर्षि। दोस्तों, हम अगर किसी योग की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी व्यायाम या फिर किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को उसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है, हम इसकी बात कर रहे होते हैं। हम उस विज्ञान की बात कर रहे होते हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। दोस्तों, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो बाद में भृंगु महर्षि के नाम से जाना जाने लगे, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग प्रोग्राम में जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती जी वहां पर मौजूद थी। भृंगु हमेशा की ही तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव जी का परिक्रमा करना चाहते थे। पार्वती शिव के बहुत ही करीब बैठी थी, परंतु भृंगु ने दोनों के बीच में से ही होते हुए शिव की परिक्रमा करना शुरू कर दी और परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वे सिर्फ शिव जी के भक्त थे और वो सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, पार्वती जी की नहीं। शिव इससे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पार्वती माता नहीं, उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृंगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, अब क्या करे, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी की। पार्वती और क्रोधित हो गई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृंगु एक छोटी सी पक्षी, यानी कि बहुत ही छोटा सा पक्षी के रूप धारण कर शिव जी की परिक्रमा उन्होंने पूरी की। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। जब शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा माँ पार्वती, वे अर्धनारेश्वरी बन गए। भृंगु ने ये देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। भृंगु का बचकाना भक्ति भाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृंगु अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही ना समझ पाए, तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृंगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी भी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों की करनी होगी, यानी कि स्त्रैण और पुरुष दोनों की ही उनको परिक्रमा करनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित कराती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या फिर प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र, जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सके। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ महाशिवरात्रि के महापर्व के अवसर में आपको ये खूबसूरत सी कहानी जरूर पसंद आई होगी, जो है अर्धनारेश्वरी। जी हाँ, शिव और माँ पार्वती की कहानी, किस तरीके से शिव बने अर्धनारेश्वरी। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं व्रत पूजा विधि देखने जाने सुनने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।